तो कानून वापसी तो हो गई, लेकिन किसानों की घर वापसी कब? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि कानून की वापसी कर ली जाए ताकि रूठे हुए किसानों को मना लिया जाए। चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह फैसला कानूनी नजरिए से भी और राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही था कि किसान क्या घर वापस लौटेंगे? आज भी यह सवाल जस का तस बना हुआ है, क्योंकि किसान जो आंदोलन पर हैं वो सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि सिर्फ कानून वापसी से बात नहीं बनेगी। मसला एमएसपी का भी है, उन मुकदमों का भी है जो किसानों के ऊपर दर्ज हुए, बिजली की दरों का भी है। सीधे तौर पर सवाल कई हैं जिसका जवाब अभी भी किसान चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में सवाल वही बना हुआ है कि किसान आंदोलन की राह पर हैं लेकिन कदम वापसी कब खींचेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर शाम को एक और आई, वो बड़ी खबर यह थी कि किसानों ने जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है उसी के मुताबिक किसान आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल यही कि आखिरकार रूठे किसानों को सरकार अब कैसे मनाएगी? क्या सिर्फ कृषि कानून वापस लेने से बात बन जाएगी? और विपक्ष आक्रामक है, राजनीतिक नजरिए से विपक्ष चाहता है कि यह आंदोलन खत्म ना हो, क्योंकि रणनीति के लिहाज से अगर यह आंदोलन और लंबा खींचा तो विपक्ष को इसका फायदा होगा। अब सवाल यही कि कानून वापसी तो घर वापसी कब? आज इसी पर होगी बात। तमाम मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। शुक्रवार को नाराज किसानों को मनाने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों में उत्साह है, उल्लास है, लेकिन किसान अभी भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक संसद से तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक घर वापसी नहीं होगी। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर एक साल बाद में सरकार ने सूद ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। इसके साथ ही एमएसपी के साथ साथ कई मांगों को लेकर किसान आज भी अड़े हैं, जिनको लेकर किसान अभी भी आंदोलन की राह पर है। अब सवाल ये कि आंदोलन खत्म कैसे होगा? वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथ साथ समूचा विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही विपक्ष के नेता ही बयानबाजी का दौर शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे ये बिल। मैं किसानों को बधाई देता हूँ, इस आंदोलन को बधाई देता हूँ, और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान नौजवान सड़कों पे आ गए, सरकार घबरा करके इन कानूनों को वापस ले रही है, और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए, इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। वही किसानों के हितैषी माने जाने वाली राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये किसानों की जीत है, ये हम सब की जीत है, ये देश की जीत है। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि क्या ये देश समझ नहीं रहा कि चुनाव आ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनको लगता है
कि परिस्थितियां ठीक नहीं है और चुनाव करीब है, इसलिए प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफ़ी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। अब भले ही मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए हों, भले ही प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांग ली हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार रूठे हुए किसानों को मनाने के लिए उनकी बाकी मांगे भी मान लेगी और किसान खुशी खुशी घर वापसी कर लेंगे, और क्या 2022 के चुनावों में किसान सब कुछ भूलकर बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने, रणनीति के लिहाज से ताना बाना किसान भी बुन रहे हैं और सीधे तौर पर मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा गया, आगे भी उसी तरह से लड़ा जाए, क्योंकि सरकार दबाव में है। ये किसान अपने नजरिए से सोचकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण पहलू हैं कि क्या वाकई में विपक्ष भी चाहता है कि यह आंदोलन लंबा खींचे। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, मैं आपको उनसे रूबरू करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं पवन खटाना साहब, जो कि किसान नेता हैं, और खास तौर पर इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से रहेगी, रणनीति क्या रहेगी और किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पर्दे के पीछे पवन खटाना साहब की भी रही। पवन खटाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ भूदेव शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, युवा चेहरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूदेव आपका भी। कुछ ही देर में मेरे साथ बीजेपी के नेता भी ज्वाइन करेंगे इस चर्चा को और समाजवादी पार्टी के नेता भी। लेकिन उससे पहले पवन खटाना साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नहीं तो पूरे देश को और देश की उस सरकार को भी मुबारकबाद कि देश की जनता जीतेगी। शुरुआत आप ही से करता हूं मैं। कानून वापसी तो हो गई, लेकिन घर वापसी कब कर रहे हैं पवन जी? देखो चावला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो आंदोलन किया वो आज से 70 साल पहले से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि देश के किसान को उसकी फसलों के वाजिब मूल्य मिलने चाहिए। हमारे जो फसल पैदा करते हैं हम, उसको MSP जो दी जाती है वो भी A2FL पे दी जाती है, और हमें C2+50 चाहिए, वो भी सुनिश्चित नहीं है। एक साल के आंदोलन के बाद अगर हमारी आज भी फसल 1200 और 1000 में धान बेचने के लिए हम मजबूर हैं, तो फिर क्या हमें दोबारा आंदोलन पर आना चाहिए? एक साल तक हम लगातार दिल्ली को बंधक बना करके नहीं, नारा तो आपका था ना पवन भाई कि कानून वापसी तो घर वापसी। मैं भूला नहीं हूं, मैं मुझे अच्छी तरह याद है। पवन भाई आप ही बोलते थे ना कि घर वापसी तभी जब कानून वापसी। देखो मेरी बात सुनो, वो बात आपकी सही है, कानून वापसी तो घर वापसी, लेकिन आप अगला बात नहीं बोलते हो कि MSP पर कानून, घर वापसी, घर तो वापस जाना ही होगा भाई, कानून वापस हो गए तो घर भी वापस जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्या हमको फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या MSP पर कानून बनाने से सरकार को कौन सा नुकसान होता है? सरकार उसको क्लियर कर दे कि हमको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम आपको MSP पर कानून बना कर देंगे। तो सरकार तो जो भी हमारा धान गेहूं जो भी कुछ खरीदती है, दलहन तिलहन, वो टोटल MSP पे ही खरीदती है। अगर वो MSP पे खरीदती है तो वो फिर छूट क्यों दे रही है उन पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, या छोटे व्यापारियों को, या आढ़तियों को कि आप किसान को लूटो? लेकिन पवन भाई, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? अब प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, आपको भरोसा क्यों नहीं है? एक बात समझ में नहीं आ रही तिलक भाई हमें, कि आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे उसी दिन से खड़े होकर के संसद में भी कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी।
लेकिन वो एमएसपी सुनिश्चित है, गारंटेड है क्या? देश के किसानों को एमएसपी पर वो अपनी फसल बेच रहा है? आपके माध्यम से बता दो, आप पर तो टोटल आंकड़े होते हैं, आप आंकड़ों से बात करते हो हमेशा। देश में शांता कुमार जी की कमेटी बनी, उन्होंने माना कि 6% किसान को एमएसपी मिलती है और उसमें से 3% पंजाब के लोगों को मिलती है, 2% से कुछ कम हरियाणा लेता है और 1 से 1.5% जो मिलते हैं वो पूरा देश में होता है। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, इन जगहों से धान, दाल और गेहूं को खरीद करके पंजाब में बेचा जाता है। ये जो बड़ा स्कैम है, इसे सरकार क्यों नहीं खत्म करना चाहती? सरकार को क्या लाभ है उस चीज से? हम ये नहीं समझ पाए। मैं आंकड़ों पे बात करूंगा, बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है, आपकी मांग वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, आगे की रणनीति क्या तय की आप लोगों ने? क्या वाकई अब घर वापस नहीं जाएंगे? लेकिन कुछ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी आप लोगों ने, उसका क्या? नहीं, एक बात बताइए आप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पर आते हैं, सुबह 9 बजे आकर के बोलते हैं कि हम इन कानूनों को वापस ले लेते हैं, हम समझाने में कामयाब नहीं रहे। अरे बड़ी बात हो गई, आपने कानून वापस ले लिए, आपने स्वागत योग्य एक पहल की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल बैठने के बाद आप ये समझ गए कि देश का किसान इन कानूनों को नहीं चाहता, देश का मजदूर इन किसान इन कानूनों को नहीं चाहता, आपने वापस करे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कौन सी वो जगह होगी जिस आंदोलन के तहत 700 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, उन शहादत दिए हुए किसानों के परिवारों की जीविका का क्या हालात होंगे? क्या उन परिवारों को कोई प्रोत्साहन सरकार की तरफ से होगा? जो हम यहां पर आए थे, हम अपने ऊपर क्या मुकदमे लेकर के आए थे? इस आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए, वो मुकदमों का सरकार का क्या रुख होगा? हम यहां से जाने के बाद कोर्ट और तहसील के चक्कर काटेंगे, जेल में जाएंगे, मतलब कुछ तरीका तो होगा ना उन चीजों का, कि भाई आप बैठ करके बात कीजिए। दूसरा एक और विषय तरफ की, एक सेकंड, कि आप लोगों ने शायद 22 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख को एक रूपरेखा तैयार की थी सरकार को घेरने की, मैं बता रहा हूं, आप कायम है उस पर आज भी? मैं बता रहा हूं सारी चीज। हमारा मतलब ये है कि हाउस में दो बड़े बिल लेकर के रखे हुए हैं इन्होंने। एक है हाउस में जो बिल है वो सीड बिल, फसल कौन सी हमें किस खेत में बोनी है ये सरकार तय करेगी, ये कोई कानून होते हैं जिन कानूनों को ये बना रहे हैं। दूसरा बिजली अमिटमेंट बिल, अगर देश में किसान अपने घर पे एक पशु रखेगा और उस पशु के बदले अगर दूसरा पशु हो जाएगा उसके, तो वो उसको जो कनेक्शन है वो कनेक्शन उसको वो लेना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जो कमेटी आप बना रहे हो वो संयुक्त मोर्चा के किसानों के साथ में बैठ करके वार्ता नहीं है। आगे क्या हम कोई और आप कानून लेकर के आए हैं? ट्रैक्टर जो एनजीटी में ले रखे हैं, पराली एक बड़ा मुद्दा है, उनको लेकर के आपका क्या रुख है? किसके साथ हम वार्ता करेंगे? क्या हम घर जाकर के दोबारा आएंगे? तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने ये अपना जो प्रोग्राम हमारे हैं, 22 तारीख को हम लखनऊ में पंचायत करेंगे, वहां पर एमएसपी हमारा अधिकार है, उस पर एक बड़ी पंचायत है हमारी लखनऊ में, हम पूछेंगे वहां बाराबंकी योगी जी के खिलाफ बोलेंगे कि वोट मत दो इनको। बाराबंकी, लखनऊ के किसान अपने धान लेकर के आएंगे और लखनऊ में हम पूछेंगे इको गार्डन में खड़े होकर के कि इस धान को हम कौन सी मंडी में बेचें, कहां पर हमको एमएसपी मिलेगी। देश की सरकार ये बता दे कि क्या देश के किसान के लिए एमएसपी सिर्फ कागजों के लिए है? सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे? नहीं, माहौल क्या है ये? क्या एमएसपी कागजों के लिए है तिलक जी? उस एमएसपी का क्या फायदा जिस एमएसपी पर हमारी धान की फसल ना बिकती हो, गेहूं की फसल नहीं बिकती हो, गन्ने का हमारा पेमेंट नहीं होता हो? 12,000 करोड़ रुपए आज भी गन्ने का पेमेंट पड़ा हुआ है, क्या नहीं पूछ सकते हम योगी सरकार से? कहां जाकर पूछे आप बताइए? उन्होंने कहा था 14 दिन में पेमेंट कराएंगे। पूछ सकते हैं। मैं तो कहता हूं ये देश किसानों का है जी, ये देश तो किसानों का है खटाना भाई, मैं तो शुरू से कहता आया हूं ये देश तो आपका है।
तो हमें तो मान है आपकी पगड़ी का, नहीं तो हमें क्योंकि आपसे ही मान है और आपसे ही सम्मान है। हमें एक मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं। एक सेकंड खटाना भाई, लेकिन उससे पहले मैं भूदेव जी आपके पास आऊंगा। अब पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं आप लोग इस पूरे आंदोलन का, जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप चाह रहे थे ये आंदोलन जितना लंबा खींचे उतना ज्यादा फायदा हमें। भूदेव जी बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि अगर देश के मुद्दों को विपक्ष उठाता है तो क्या उसका राजनीतिक फायदा ही होता है क्या? अगर विपक्ष संसद में देश के जो भी किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, अगर उनके मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाता है तो क्या ये राजनीति होती है? बिल्कुल राजनीति होती है, लेकिन विपक्ष का ये काम है कि देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी ने टीवी पे आकर के बोल दिया कि तीन काले कानून वापस हो गए, मैं 2014 से बात करना स्टार्ट करता हूं, उससे पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिला। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, नहीं हुई। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं हुआ। इन्होंने नोटबंदी के समय कहा कि मुझे देश के लोगों 50 दिन दे दो वरना चौराहे पर लाकर के जूते मारना। आज तक 50 दिन का पता नहीं कि आतंकवाद खत्म हुआ कि काला धन वापस आया या फिर नक्सलवाद खत्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये डेली रैलियों में बोलते हैं कि अरमन नक्सलवाद है, आतंकवाद है, ये सब कुछ बोलते हैं। और उसके बाद में जब तीन ये काले कानूनों को लाया गया तो अध्यादेश के थ्रू लाया गया, सीबीआई और ईडी के जो निदेशक है उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया, तो इनको उठाने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाए? ये बदलाने का काम मत कीजिए देश को। किसानों की ना किसान कर्ज माफी नहीं चाहते, पूछ लो। अगर पवन भाई ये बोले कि मुझे कर्ज माफी दे दो ना, तो मैं अभी डिबेट यहीं पे खत्म कर दूंगा। हमारी फसलों का वादा पूरा कर दो। मुझे आज इतना बता दीजिए कि इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, आप ये देखिए कि 2014 के बाद आप लास्ट 2 साल का देखिए, जहां किसानों की आय आज 27 रुपए प्रतिदिन औसत रह गई है। किसानों की आय 75 जो 40,000 रुपए औसत कर्ज था वो 75,000 रुपए इस सरकार में बढ़ गया। जो आय दोगुनी करने का वादा करते थे तो उन लोगों को पैसा कम देगा, ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती नहीं है, आंकड़ों की बाज़ीगरी नहीं। भूदेव जी नहीं बिल्कुल, साल 2000 से 2016, अगर पवन भाई मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट कर देना मुझे, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को, क्योंकि पवन भाई को एमएसपी नहीं मिली। सही बात है जी, मैं गलत बोल रहा हूं भूदेव जी? नहीं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, इसके लिए हम अभी भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किसानों के लिए कितने रिफॉर्म किए गए, और इन्होंने तो काले कानून लाने का जो मंडी को लेकर आपने क्या किया। आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये आंदोलन चलता रहे, पवन भाई बैठे रहो, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ, आपके लिए सिर्फ। पवन भाई भी जानते हैं, सुनिए, पवन भाई भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि एक विकास की एक प्रक्रिया होती है, आप उसको पीछे ले जाने की कोशिश ना कीजिए। 2014 के बाद जो मंडियों को खत्म करने का जो प्लान ये लेके आए तीन काले कानूनों में, आप तो पीछे जाने का काम कर रहे हैं। हमने मंडियां बनवाई, ये सारी प्रोसेस चली थी, आगे एमएसपी की गारंटी भी किसानों को देते, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत। अच्छा, तो पंजाब में क्या होता है? मुझे लेकिन पवन भाई ये आंकड़ों की बाजीगरी, मैं तो सीधा ये जानना चाह रहा हूं कि भाई किसने भला किया आप लोगों का, मुझे इतना बता दो, आज किसी ने भला किया? देखो अगर ये भला कर देते तो हम इनको सत्ता में रखते, सत्ता से अगर इनको हटाया है तो देश के किसान और मजदूर नहीं तो हटाया है तिलक भाई, बीजेपी ने नहीं हटाया। बीजेपी के घर वोट नहीं बनती, बीजेपी के घर अंबानी और अडानी बन सकते हैं, लेकिन वो भी वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। वोट डालता है देश का किसान और मजदूर। नहीं, कांग्रेस ने एमएसपी दिया आपको। देश का किसान और मजदूर ने 70 साल में लड़ाई लड़ी है, ये कहा है भाई देश आजाद हुआ हमने अपार फसल पैदा की, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिला। हमसे कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, हमसे कहा कि हम आपका लोन माफ करेंगे, हमसे कहा आप आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए आज तक भी कि हमें हमारी फसल का वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिलता। ऐसा हमने क्या अपराध किया है कि अगर मैं जो सरकार घोषित कर रही है एमएसपी तिलक भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है,
मैक्सिमम नहीं होती, हम जो भी फसल उगाएंगे उसमें सबसे जो गिरा हुआ फसल होगी, जो सबसे बेकार होगी, उसके रेट होते हैं ये। इन्होंने मिनिमम कहा है, मैक्सिमम नहीं कहा, और मिनिमम को भी हम मिनिमम में नहीं बेच पा रहे तो हमारे लिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। ना, 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 पवन भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो हुसैन साहब आपके पास आऊं, एक किस्सा बता देता हूं। पवन भाई ने पहले भी सुनाया था, वो मॉल्स में जाते हैं, हम पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न मक्का, पवन भाई वो कितने का मिलता है? तो 50 रुपए से शुरू होता है जी मिलने वाला, उसका तो अलग अलग सिस्टम है, मतलब बहुत छोटी सी जगह होती है और 50 रुपए का मिलता है वो। हाँ 50 से 100 रुपए का मिलता है। और आप लोग कितने का बेचते हैं? 50 से शुरुआत है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने मतलब कितने भी रेट का हो सकता है, और बहुत थोड़ी सी मक्का होती है वो 2 रुपए की भी नहीं होगी, हमारे यहाँ की 1 रुपए की भी नहीं, 8 रुपए किलो है मक्का, 2 रुपए की भी नहीं होगी बिहार में, 2 रुपए की भी मक्का नहीं होगी, और वो 100 रुपए का मक्का मिलता है भैया, 50 पैसे का भी नहीं है वो। पवन भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हुसैन साहब मुझे बताइए कि किसानों के नाम पर ये सियासत हो रही है क्या? अब कांग्रेस कह रही है कि इसका सियासी फायदा कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, संकेत मिल रहे हैं। किसानों के साथ कोई सियासत नहीं हो रही, लेकिन किसानों के साथ जो भाजपा कर रही है और जो झूठ बोलते आए हैं ये लोग 2013 से लेके 12 से लेके 2014 आज 2021, इनकी बात पे, इनके भाजड़ पे, इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं। इन्हीं ने तो आके कह दिया कानून हम वापस ले रहे हैं, समझा नहीं पाए किसानों को। लेकिन एक साल जो किसान सड़कों पर रहा, नौजवानों की मौतें हुई, कीले गाड़ी गई, पानी की बौछार ठंडक में डाली गई, जितना बुरा हाल किसानों का किया इन लोगों ने, जो किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है, जो किसान इस देश का भला करता है, किसान की बदौलत ये देश चल रहा है, उस किसान को इस सरकार ने अपमानित करने का काम नहीं किया, बल्कि इन्हीं ने तमाम लोगों को, हर नौजवान, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, अगली जाति, सबको अपमानित किया। बस ये झूठ अच्छा बोल लेते हैं, ये झूठ बोल बोल के अभी तक इन्हीं ने अपनी नैया पार करी है। आगे किसान समझदार है, आप चाहते हैं कि आंदोलन खत्म ना हो, देख रहे हैं कि खत्म, ये इन्हीं ने इस टाइम पे क्यों किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए पवन भाई को, इनको अपनी हालत नजर आ गई है कि अब क्या हो गया है, और असलियत अगर मीडिया दिखाने लगे, सारे चैनल दिखाने लगे, तो इनके सांसद, इनके विधायकों के सड़क पर चलने की पब्लिक नौबत नहीं आने देगी, क्योंकि वो बुरा हाल किया जाएगा। तो जनता आज तरस तरस हो रही है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप चाहते हैं कि ये घर जाए या आप ही डटे रहे? कारोबार नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन ये किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है, और ये किसान लड़ाई लड़ते रहेगी, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी, किसानों के साथ ये भाजपा वाले भूल जाए भाई, ये राजनीतिक धंधे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे आपके? राजनीति अपने हित को साधने के लिए, क्या आपने कहा हुसैन जी? आप चाहते नहीं कि ये घर जाएं? देखिए ये घर जाएंगे, लेकिन इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? जो नौजवानों, किसानों की मौतें हुई हैं, जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, जो उनका एक साल बैठे हैं, सड़कों के नुकसान हुआ है, इनकी जुमलों पे घर चलेना है? यह आसान तरीका है या आसान बात है? इनका तो एक वो भी जुमला था, यहाँ है 50 दिन दे दो, हम तो झोला लेके चले जाएंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। आप बताइए पवन भाई, कहीं राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आप लोगों के कंधे का? देखो हमारी बात सुनो, इनके बस की कुछ नहीं है, ये राजनीतिक ना तो कुछ कर पाएंगे। अगर ये विपक्ष मजबूत होता तो चावला जी हमको रोड पर नहीं बैठना पड़ता, तिलक भाई
ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि विपक्ष अगर मजबूती से होता तो ये कानून नहीं बनते, अगर इन पर लड़ाई लड़ी जाती तो ये संसद पर इन कानूनों को पास नहीं होने देते। हम आज रोड पर अगर एक साल से बैठे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान इन लोगों का भी रहा है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। लेकिन हम फिर भी इनसे ये कह रहे हैं कि आज समय है, आप भी जो संकल्प पत्र लेकर आओ या कोई भी मैनिफेस्टो लेकर आओ, अब किसी के मैनिफेस्टो का हमें कोई भरोसा नहीं। 2012 में 2014 में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ये लेकर आना चाहती थी, इसको भाजपा ने मैनिफेस्टो में नहीं लिया और हमने इस भूल में भाजपा को वोट कर दिया। कांग्रेस के पास में तो ये पहले ही था, 2012 में कांग्रेस ने कहा था इस कानून को लेकर आने की बात कही थी, तब भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा ने इतना विपक्ष से मजबूती से किया कि इनको कानून नहीं बनाने दिया, लेकिन ये कमजोर रहे और इन्होंने कानून बन दिए। आज देश का किसान लड़ रहा है, चारों तरफ देख रहा है, इनसे भी पूरी तरीका से कहा जा रहा है भाई आप हमारे यहाँ ना आकर के आप संसद में लड़ाई लड़ लो। मतलब मान रहे हो ना आपका राजनीतिक कंधे, आपके कंधे का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? भाई हमने किसी का नहीं कि हाँ हमारे राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। हमने कोई राजनीतिक कंधा अपना होने ही नहीं दिया। हमारे यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का एक भी नेता ने आकर के कोई मंच साझा नहीं किया। लेकिन मैं तिलक भाई एक बात आपको क्लियर कर दूं, अब से पहले भी आंदोलन होते थे, क्या भाजपा के कोई नेता राजनीतिक मंचों पे या इन मंचों पे नहीं जाते थे? आंदोलनों के मंचों पे अन्ना जी का आंदोलन हुआ था उसमें क्या 1980 का अटल जी का बयान सुनाया क्यों था? नहीं जाते? नहीं पवन भाई, मेरे पास सारे आंकड़े होते हैं और मेरे पास सारे इतिहास हमारे आंदोलनों में भी क्या राजनाथ जी नहीं आते थे? जवाब दीजिए पवन जी ने, जो तिलक जी का उसका जवाब दीजिए भूदेव जी। बिल्कुल तिलक जी, जैसे अभी कहा कि 2014 से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो आंदोलन करते थे, क्या राजनीति के लिए करते थे? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देखिए आज विपक्ष ने, चाहे कोई भी किसान नेता हो, मैं इनका सम्मान करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन इनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि संसद में पुरजोर तरीके से विपक्ष आवाज उठाता है, अगर मंच साझा नहीं किया है लेकिन जगह जगह पर आंदोलन किए हैं, हर तरह से कंधा मिला करके हम खड़े हुए हैं और विपक्ष को कमजोर किसने किया? पवन भाई ने तिलक जी विपक्ष को कमजोर किसने किया? ये जिम्मेवारी किसकी है? देश के लोगों की है कि विपक्ष को मजबूत बनाया जाए। आप लोगों ने एक तानाशाही शासक को बिठाया और उसका आज उसका पूरा परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। विपक्ष को कमजोर नहीं, उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। आज आपके सरकार में ओलावृष्टि के आज तक पैसे नहीं मिले किसानों को, आपकी सरकार में जो आपकी समाजवादी की सरकार थी। आप पहले अपने मेरी समाज हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमारी 1970 से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए, पहले सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा से पहले बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी। अरे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की नहीं थी, समाजवादी की थी। वही बोल रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और केंद्र में किसकी थी? केंद्र में किसकी थी? ये देखिए कि आज अरे राजस्थान हो, पंजाब हो, आपकी आप देश के किसान के नाम पर काम क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक साल तक किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ा? आप चाहे किसान कुछ भी कहे लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस सरकार, जब तक किसानों का इस देश के मजदूरों का या बेरोजगारों का अधिकार नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। ये कहते रहे विपक्ष को कमजोर करने का काम भी आप क्या जनता ने किया था। अगर आज विपक्ष कमजोर है तो उसका परिणाम पूरी देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये तानाशाही शासन चल रहा है आपकी सरकारों में। क्या आज जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था है सब आप कमजोर है, जनता गुनहगार है? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये जनता ने विपक्ष को मजबूत कौन करता है? जनता करती है ना, विपक्ष को मजबूत कौन करता है? जनता करती है ना। आपने उनको वोट दिया, आपने उनको मजबूत करेंगे तो आप मजबूत हो जाओगे। भूदेव जी सुनिए ना, आपकी योजना अच्छी होंगी तो आप मजबूत हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपकी नीति अच्छी होगी, आप मजबूत हो जाओगे। आपकी नीति गलत होगी तो आप कमजोर हो जाओगे। आप विपक्ष में भी तय करके कम मजबूत नहीं बना जा रहा भूदेव जी। जनता का कर भी मजबूत नहीं है, बीजेपी के दो सांसद थे विपक्ष में, कैसे मजबूत? बीजेपी के दो सांसद विपक्ष में
अगर आपको मुझे लगता है कि पूरी जो संसदीय प्रक्रिया है वो आपको शायद पता नहीं है, आपका महंगाई संसदीय प्रक्रिया आपको नहीं पता शायद, महंगाई का आप कौन से आपने कोई आंदोलन किया, टू बाई थर्ड जो मेजोरिटी क्या रेट हो गए आपका कोई आंदोलन है, विपक्ष के पास नहीं है, अरे विपक्ष ने तो हमेशा विरोध किया, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए सरकार ने, आपने कुछ करा या सारे देश का ठेका ये देश का किसान लेगा क्या? आप डरते हो नहीं, हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ईडी से इस देश का ठेका लिया, आप भी क्या कांग्रेस पार्टी में किसान नेता नहीं हो? झाला जो गड़बड़ झाला पड़ी हुई है विपक्ष को, वो ईडी की और मुझे लगता है, मुझे लगता है शायद उनको थोड़ी नॉलेज कम है, तो जो संसदीय प्रक्रिया होती है उसमें जो विपक्ष को बहुमत जो चाहिए किसी भी कानून को रोकने के लिए वो अपने विपक्ष के पास नहीं है, ये उनको शायद पता नहीं है, ये शायद इनको नहीं पता है, आप रोड इसलिए आज का आंदोलन दिखा दो लगातार। अच्छा अच्छा, पवन भाई को कुछ नहीं पता आपको क्या? आप रोड का दो दिन का आंदोलन दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कहां आपने लगातार दो दिन किया। पवन भाई जी एक सेकंड, एक मिनट, आपको आंदोलन दिखाते हैं, जेल में गए हैं उनको दिखाते हैं और जेल में आंदोलन हो रहा है, अगर ये मीडिया न दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है, किसने आवाज नहीं उठाई? अरे आप लोगों को देखिए पवन जी, देखिए विपक्ष जो काम कर रहा है पूरे पुरजोर तरीके से, सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों ने आवाज उठाई है, आज काम कर लो भाई, कुछ आप भी काम कर लो, वोट के चक्कर में मत रहो, काम कर लो, कुछ बहुत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पूरा देश बेच दिया, मुद्दे है, हर मुद्दा है, किसान का भी मुद्दा है, बेरोजगारों का भी मुद्दा है, मजदूरों का भी है, और हमने किसानों की आवाज, आप अकेले किसान हो क्या इस देश में? आप अकेले किसान हो क्या? आप बताओगे कि विपक्ष को क्या करना है? अरे विपक्ष को काम है इस देश के लोगों को मुद्दे उठाना, मैं भी किसान का पुत्र हूँ और कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता है जो किसान पुत्र है, हम भी सड़कों पर गए थे और सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, समझे? कांग्रेस पार्टी से अगर जुड़ना, अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का मतलब किसान नहीं होना होता है तो आप अपनी नॉलेज को पक्का कीजिए पहले, क्या इस देश के किसान को लड़के को अधिकार नहीं है किसी भी पार्टी से जुड़ने का, आवाज उठाने का? आप पहले पूरी नॉलेज के साथ आइए कि विपक्ष ने इस किसानों की आवाज को, मजदूरों की आवाज को, बेरोजगारों की आवाज को उठाया है कि नहीं उठाया? अरे आप अपनी उठा लो, अपनी जान की परवाह की हो ना आप, जिन पवन खटाना कोरोना पूरे देश की सेवा की, आप लोग आप अपनी पवन उठा लो भाई। पवन खटाना इस आंदोलन में डटे रहे, इसे पता कुछ है नहीं भाई, ये यहाँ के आकर बैठ गया, आप कह रहे कि उनको ज्ञान नहीं है, पता कुछ है नहीं इन्हें, नहीं इनको कुछ नहीं पता है, इनको पहले नॉलेज चाहिए कि देश के किसान के लड़के को भी अधिकार है ये कमा के कोई किसी भी पार्टी से जुड़ने का। अरे पहले टीवी चैनल पे ये केवल बीजेपी की भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये जो है जो पवन जी, देश के अगर सरकार से सवाल कर लिया तो देशद्रोही होगा, और किसानों से सरकार से सवाल कर रहे हैं, पहले तसल्ली तो पकड़ ले, तो ऐसे उछड़ रहे हो आप, तसल्ली है तरीके से आप ऐसे उछड़ रहे हो, मैं आपसे बड़े तरीके से बात कर रहा हूँ, आप भी तरीके से बात कीजिए, आपने क्या कर लिया भाई? आपकी नेता को लखीमपुर खीरी तक नहीं जान दिया, आप क्या लोग थे वहाँ पे? तो ये सरकार नहीं जाने देगी तो इसका मतलब उनके पास कानून नहीं है क्या? मतलब जबरदस्ती कोई उठ के चला जाएगा? क्या इनको कोई नॉलेज नहीं है? आंदोलन के पास बहुमत है कि नहीं किसी भी कानून को रोकने का? नहीं सरकार चलाना जानते, आप संघर्ष करना जानते हो? हाँ, आपको तो बस ये गए किसान लड़ाई लड़े और आपको सत्ता मिल जाए, यही तो चाहते हो? मतलब हमने लड़ाई, हमारे कंधे नहीं मिलेंगे भाई आपको, इस आप हमारे कंधों पर बैठ के नहीं जा सकते, ये हो सकता है आप हमारे कंधों पर बैठ करके सत्ता नहीं ले पाओगे, अपने आप कीजिए जो करना है आप, है लोगों की लड़ाई लड़ी है और हम लड़ते रहेंगे, इन्होंने कर दिया किसान के आंदोलन में आ गए, ऐसे चंद लोग, ये चंद लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, विपक्ष हमेशा इस देश के किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये देखो इनकी भाषा है, ये आपकी भाषा देख रहा हूँ मैं, आपकी भाषा इनकी है, नहीं आपकी, ये आप जैसे लोग, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात, स्पेशली आपकी बात कर रहा हूँ मैं, इन्हें कानूनों को वापस करा दो, एक को किसी और को छोड़ के और कुछ भी कर लो। अरे हम संघर्ष कर रहे हैं ना, और भी कर लो, महंगाई पे लड़ लो, एयरपोर्ट भी गए, हम हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों के मुद्दे, अरे आप बताओगे क्या, आप बताओगे क्या, आप बताओगे क्या, अरे कहाँ पे बैठे हो, घर में लेट हो गए क्या? आओ रोड पे लगाओ तंबू, रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली में
प्रतिदिन हम गिरफ्तारी दिए हमने लोगों ने, हर मुद्दे पे गिरफ्तारी दी है। अरे आप लोगों को, आपने दिल्ली में कर रहे क्या, क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में, क्या कर दिया आपने? अरे एयरपोर्ट बिक गया, एयरलाइन बिक गई, एलआईसी बिक गई, बिजली बिक गया, तो सरकार से सवाल किया ना, सरकार को रोकने का काम आया। हम सवाल कर सकते हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। संसद को चलने से रोका गया है और सवाल पूछा गया है, चाहे किसानों के मुद्दे पे हो। अरे आप, अब मुझे लगता है तिलक जी पवन जी को भी थोड़ी नॉलेज कम है। कोई बात नहीं है पवन जी, कोई बात नहीं है तिलक जी, कोई बात नहीं है पवन जी को बोलिए, अगली बार सोच के आइए, अगली बार थोड़ा सा विपक्ष के बारे में भी जानकारी लेके आइए, बैठ जाइए। कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ तो ये चंद लोग बंद कर दिया था आपने। भूदेव जी प्लीज, किसने आना बंद कर दिया था बता दो। पवन जी प्लीज, मैं बता दो कि सरकार ने इनके जो प्रवक्ता थे ना, उन्होंने प्रवक्ता लिखना बंद कर दिया था, राजनीतिक विश्लेषक लिखने लगे थे, ये डिबेट में आने बंद हो गए थे। पूछ लो इन्हें, इस किसान आंदोलन से पहले ये अरे यहाँ तिलक जी, जब किसानों की बहस हो रही है तो आप ऐसे लोगों को जो सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, आज देश को जरूरत है एक साथ तानाशाही सरकार से लड़ने की, और ये सरकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, इन लोगों ने ही आंदोलन को बदनाम करने का काम किया था। ये चंद लोग फालतू की बातें करते हैं, ये कुछ कमाल जी ये बताएंगे कि विपक्ष का क्या काम है। आप दोनों बहुत सम्मानित है, प्लीज बनोगे नेता तो नहीं, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाइए। बहुत आंदोलन कर लिए भाई आपने, बहुत आंदोलन किया इस देश में ना, इस देश को आजाद कराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश को 70 साल में जो विश्वगुरु बनाने का काम हम जो कर रहे थे, वो आप जैसे चंद लोगों ने जो बीजेपी भक्त थे, आज केवल किसान आंदोलन में जुड़े हो, लेकिन आपने ऐसी तानाशाही सरकार बनवाई, विपक्ष को कमजोर करवाया, जिसका आज ये परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। आज बेरोजगार युवा देश का परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, भूदेव जी प्लीज, पवन खेड़ा साहब मेरे साथ जुड़ गए, एक सेकंड। सारे तो जमानत पे बैठे, तुम टीवी चैनलों पर आना बंद कर दिया था आपने, बताया किया था निकल लगे किया था, आप बोलना भी नहीं सीखे थे। गैस का कोई मुद्दा है, किसान आंदोलन की देन है जो टीवी पर बोल रहे हो आप एक बोल अच्छे किसानों के अच्छे प्लीज पवन जी, पवन जी पवन जी, ये लोग चाहते हैं भी दूर जाए, लोग भी दूर जाए गोवा में, ये किसानों को, ये वो लोग हैं जो किसानों की मांग को पूरा होने देना नहीं चाहते। चैनल पर पता है नहीं कुछ भी, आप बैठ गए, आप बैठ गए, आपको नहीं पता कुछ भी। एक सेकंड रुकेंगे आप पवन जी प्लीज, नहीं आपको बहुत पता है, आप लोगों को ये नॉलेज नहीं है। भूदेव जी प्लीज, बीजेपी नेता मेरे साथ पवन खेड़ा साहब जुड़ गए, इनको बोलिए थोड़ा जानकारी दे, प्लीज लड़ना नहीं है, जानकारी पवन भाई प्लीज बैठ जाओ। कर लिया, बहुत कर लिया तुमने, एक सेकंड मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप जैसे लोगों के कहने से ना तो बंद करेंगे और ना आपके कहने से करेंगे। ये देश हमारा भी है, समझे? आप लोग केवल बीजेपी की भाषा बोलने वाले लोग, हम तो बीजेपी की बोले, आप जैसे और आप जैसे एक दो, आप जैसे एक दो लोग, आप जैसे एक दो लोग भाई, तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे बीजेपी वाले, जिसका परिणाम आज हमारे देश का किसान भी भुगत रहा है और बीजेपी वाले, अरे ये किसान नेता है तिलक जी, ये मुझे तो लगता नहीं कि ये किसान नेता है, ये कोई किसान नेता है। आपने किसान प्रवक्ताओं को बुलाइए, हमें बताएंगे कि कौन किसान होता है, ये बताइए हमें। अच्छा किसान नेता नहीं है, ओके एक सेकंड, दिल बड़ा करो इसके लिए, दिल बड़ा करो भूदेव जी प्लीज, इन्हें पता नहीं कुछ भी। एक सेकंड विजय खेड़ा साहब, विजय खेड़ा साहब जी बोल रहा हूं मैं, नहीं हेलो विजय खेड़ा जी, ये बोल रहा हूं मैं, पवन जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम जो है घर वापस नहीं जाएंगे। वो घर वापस जाए ना जाए उनकी मर्जी है, एक बात वो समझ ले, जो करना था प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया है
और इनको घर जाने से मतलब नहीं है ना। अच्छा। पहले मतलब था ना, इन्हें किसानों से मतलब था ना, किसान बिल से मतलब था, इनको अपनी राजनीति से मतलब था, घटिया राजनीति चमकाने से मतलब था इनको। अच्छा। इसलिए ये बैठे हुए थे, तब भी कह दिया था कि MSP में आप जैसे आपका मन भरे हम तैयार है, कृषि मंत्री ने पहले दिन कहा था। लेकिन इनका वो मकसद नहीं था, इनका मकसद था बरगलाने का। खैर ठीक है, आज आपने बरगला लिया, MSP दे दीजिए इनको, ये वापस चले जाएंगे, पवन भाई चले जाओगे ना, MSP दे देंगे इस बात के लिए, और उन्होंने घोषणा भी कर दी है। उसके बाद आप जाए ना जाए आपकी मर्जी है, थोड़ी देर बाद तलाक वाई है सर्टिफिकेट देने के लिए, आपने बरगलाया था वही आप वहां से मार के भगा देंगे। विजय जी आप मत जाइए, MSP पर कानून क्यों नहीं बना देते अब? आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए, जिस दिन इनसे बात हुई थी पहले बात शुरू में कृषि मंत्री जी ने ये कहा था कि जैसे आपका मन भरे हम तैयार हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि आप तीनों बिल वापस लो, इस बात पे बात अटकी थी, MSP पे थोड़ी अटकी थी, ये तो कह रहे थे आप वापस लो सीधा सीधा, ये बात थी। अगर MSP के कानून पे मान जाते तो सभी कह रहे थे आप जैसे मन भरे हम तैयार हैं। जिन सरकारों ने MSP नहीं दी, जानकारी नहीं, मैं बता देता हूँ, 5 साल स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लगाई, उनसे ये कुछ नहीं बोल सके। MSP सरकार ने MSP दे दी, MSP एक प्रशासनिक आदेश ही को निकालना है, एक हस्ताक्षर होना है। पवन खेड़ा साहब, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस ने आजादी दिलवाई, अरे ठीक है दिलवाई कांग्रेस ने आजादी, तो वो गांधी जी की कांग्रेस थी, राहुल गांधी की कांग्रेस थोड़ी ना थी, विजय कांग्रेस नहीं है, थोड़ी थी जो आज आपने पार्टी बर्बाद कर दी। विजय खेड़ा साहब कांग्रेस नहीं है, ये उनकी उनकी कांग्रेस है, ये कांग्रेस है सलमान खुर्शीद वाली, ये 370 पे कहते हैं मसला हमारा अभी इंटरनेशनल है, मतलब यानी पाकिस्तान की विजय खेड़ा साहब क्यों घूम रहे हैं जो पाकिस्तान में जाके तो जिन्ना की नहीं नहीं विजय खेड़ा साहब विषय कांग्रेस नहीं है, माफी भी मांगेंगे सब करेंगे, और आज कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नहीं मांगेंगे। भूदेव जी MSP पे ले लूं सवाल का जवाब, भूदेव जी लड़ना नहीं है, एक सेकंड मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैं एक बात विजय खेड़ा साहब अगर मैं गलत हूंगा तो पवन भाई मुझे करेक्ट कर देना। 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर की कमेटी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं 2011 में उस वक्त कह रहे थे कि MSP की गारंटी होनी चाहिए, क्या कहा था ना विजय खेड़ा साहब? उसके अध्यक्ष थे ये। MSP उसके बावजूद भी किसी सरकार ने आज तक दी नहीं, किसने दी वो, इसका जवाब है किसी के पास नहीं? ऐसा क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट में MSP हुई थी सन 67 में, आपको जानकारी है सन 67 से MSP मिलती है, सन 67 में कौन से प्रधानमंत्री थे आप थे? मोदी जी ने सबसे महंगे रेट पर MSP दिया है, उसके बाद 28 फसलों पर MSP दी है, कहां मिला MSP, कितना मिला MSP बताइए ना सर, कितना प्रतिशत लोगों को MSP मिला, इन्हें कुछ पूछ तो लो सही सही, ये क्या बता रहे हैं आकर के, कुछ पता है? हाँ, किसने MSP दी सही सही बताओ ना, तुम बताओ ना, तब सो रहे थे आप जब कांग्रेस से नहीं मांग पाए, चरण सिंह जी से नहीं मांग पाए, जब दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तब सो रहे थे आप लोग, जब हम भाजपा के थे, दे दी मोदी जी ने MSP, जब हम भाजपा के थे, आज हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से बात कर रहे हैं तो हम भाजपा के हो जाएंगे प्रधानमंत्री, तुम्हारे ही तो चक्कर बनते हैं ना, तो आप MSP, तुम खुद अपने आप बिकने की तैयारी में खड़े रहते हो। मैं उदाहरण देता हूँ, अजीत सिंह जी मंत्री थे तब दे सके, एक सेकंड मैं एक उदाहरण देता हूँ, मिनिस्टर थे तब दे सके आप लोग, MSP आप दे नहीं पाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट उठा के आप पानी में रखे, आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप किसानों पे इतना गुस्सा करके ठीक नहीं है, आप अजीत सिंह एक सेकंड आप उनसे प्रश्न करने का हकदार ही नहीं है आप, तो MSP जिसने दी है वो मोदी है, नरेंद्र मोदी, एक सेकंड, किसानों को सम्मान निधि जिसने दी वो नरेंद्र मोदी है, एक और आज आप विजय जी ठीक है, आप परेशान थे वहाँ बैठे थे, आप गलत फहमी में थे, गलत रास्ते पे चल रहे थे, फिर भी आपकी बात को मानते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस कर लिया, वो की हेठी नहीं है इसमें कोई, प्रधानमंत्री इसमें ये नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर से फंडिंग हो रही है इनको। सर सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब, आपने कहा MSP 1,25,000 करोड़ रुपया बकाया है गन्ने का, अभी भी मैं गलत हूं? बैठे रहिए आप, अगर आपके समझ में नहीं आता है, हिंदुस्तान का किसान तो जानता है और समझ गया है। विजय जी 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया है अभी भी भुगतान,
पूछिए आप। हेलो जी। हाँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए ना, ये बोलते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा, तो उसकी गारंटी दे दो किसानों को। सवाल पूछ लो। बोलिए। है और रहेगा और है, आप अच्छी तरह जानते हैं जी। जिस दिन से आया उस दिन से आज भी है। नहीं नहीं, एमएसपी है, रहेगा, तैयार। वो तो सर सुन रहे हैं, प्रशासनिक आदेश निकाल दीजिए, पवन जाए, पवन भाई घर को जाए अपने। ये बात पहले भी थी एमएसपी की कि हम एमएसपी पे बनाने को तैयार हैं, पर आप बात सुनिए और उसको याद करिएगा। तिलक भाई, इनके एक नेता से पूछ लो, तीनों बिल वापस लीजिए। तिलक भाई, इनके एक नेता से पूछ लो कि कल जो पिछले कल प्रधानमंत्री जी ने आकर के घोषणा की, इनके किसी एक नेता को जानकारी है? कोई इनकी बात, कोई मीटिंग हुई थी क्या? गांधी जी ने जब सत्ता के लिए वापस ले लिया था, ये बैग लेकर के आते हैं ना, जो पर्ची दी जाती है वो बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं है। महात्मा गांधी अगर एमएसपी पर भी कानून बन जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कब बन गया। किसी को जानकारी थी क्या? इन पर कोई अधिकार नहीं है, इन पर ले लिया था तो जानकारी थी क्या? सिर्फ दो लोग हैं जिनको जानकारी है, इनको कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं। ये बस्ता उठाते हैं और बस्ते को खोलते हैं, जो पर्ची उसमें मिलती है उस पर्ची को लेकर बोल देते हैं। इन पर ये काम है, तीसरा कोई काम नहीं इनके पास। पर्ची लेके आए हो लिख के? इन्हें पता है क्या? हमें तो, इन्हें हमको पता तो दो मिनट पहले ही बताया गया। एक नेता का नाम बता दो आप अपने का, कि जिसके साथ में प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की थी कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, बताओ। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को क्या करना, किससे पूछना है? ये देश लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से चलेगा? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। ये कैबिनेट किस लिए बनाई है? क्या हो रहा है? फिर नरेंद्र तोमर क्यों भेजे थे? फिर पीयूष गोयल क्यों भेजे थे? अगर आप उनसे सलाह नहीं करते, आप कमेटी नहीं बैठाते, आप ये नहीं पूछते उनसे क्या कानून वापस लिए जाने चाहिए, नहीं लिए जाने चाहिए, तो फिर क्यों भेजे थे उनको भारत दौर की वार्ता के लिए? हमने तो तब भी कानून किसानों से वार्ता करने के लिए वो जाएंगे। पता है उन्हें, पता है भाई, मुद्दे पे आएंगे, लोकतंत्र तरीके से चलेगा। मैं एमएसपी का जिक्र कर रहा हूं। आप जवाब सुन लो। मैंने उदाहरण के तौर पर विजय खेरा साहब एक जिक्र किया, 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया भुगतान बाकी है अभी भी, मैं गलत तो नहीं हूं? आप पर जरा ये तो देख लीजिएगा, पिछले 15-20 साल में गन्ने के भुगतान का इतिहास आप अगर देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। हमेशा 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 जी, मैं उसी का जिक्र कर लेता हूं। सुनो पहले, जब जब 2017 में जब इन लोगों की पोल खुलने लगती है ना, तब ये किसानों के लिए नहीं लड़े ये नेता आगे जो बैठ गए थे यहाँ पर, तब ये कुछ नहीं कर पाए। 3-3 साल गन्नों का पेमेंट नहीं हुआ, 22-22 मिले बंद रही जो चालू कराई, और अब 90% पेमेंट हो जाता है, उसके बाद भी सवाल उठाया जाता है। सवाल तो सुन लीजिए। क्या सवाल उठाएंगे आप? सवाल तो सुन लीजिए। समय से पेमेंट होता है, अगर पेमेंट में डिले है तो उसका जरा उसका तुलनात्मक, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। विजय खेरा तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो आप देखेंगे, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सबसे सही समय पर पेमेंट अब होता है गन्ना किसानों का, इसलिए अब ना कोई हड़ताल होती है, ना कोई शोर होता है। 2017 में ये सिर्फ कुछ किसान है जिनको राजनीति चमकाना है, दो बार जमानत जब्त हो गई, लोकसभा में जब्त हो गई, 2 बार 14वें नंबर पर आए, अब किसान के नेता बने, अपने मोहल्ले में चुनाव हार जाते हैं। मैं उनका विषय, मैं उन पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। तो वही तो बरगला रहे हैं ना लोगों को, आंसू बहा के बरगला रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है, 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में कहा था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान करेंगे जी, या मैं गलत तो नहीं हूं? अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपसे खाली इतना कह रहा हूं कि पिछले 25 साल 40 साल 10 साल का इतिहास कोई सा भी उठा लो, आप पाएंगे कि सबसे अधिक गन्ने की पेमेंट, सबसे समय से गन्ने की पेमेंट किसान की अब हुई है, तो कभी नहीं हुई। शुगर एक्ट में भुगतान का प्रावधान है सर, 14 दिनों के भीतर, तो जरा सा भी लेट आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपने सहारनपुर की रैली में कहा 2017 में, आपने कहा ना कि हम देंगे 14 दिनों में, और अकेला, मैं वही तो कह रहा हूँ, पश्चिमी यूपी का किसान ही हिंदुस्तान का किसान नहीं है, गन्ना ही अकेली एक खेती नहीं है,
50 फसलें होती हैं, कपास भी होता है, गेहूं भी होता है, चना भी होता है, सब्जियां भी होती है, खरीद लिया अकेले, ये किसान होते हैं पूरा देश मतलब वोट मांगते हुए आपने तब नहीं कहा, पवन भाई सुना आपने को लेके नहीं चलता है, लेकिन हमने आपसे कहा की बात, अभी डंके की चोट कह रहा हूँ, तो कुछ पता बीजेपी पार्टी तो खत्म कर दी, वहां तो सिर्फ मोदी पार्टी हो गई, अब दो लोगों की पार्टी है, इनको किसी को कोई जानकारी नहीं क्या करना और क्या नहीं करना, इनको बस्ता दे रखा है, यही सही है, बस्ते में तो पर्ची निकालेंगे, अभी ना ये पूछ लो क्या एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं, इनसे ये पूछ लो एमएसपी पर अगर कानून बन गया तो ये क्या राजनीति छोड़ देंगे, पूछो इनसे, क्यों इनसे पूछो, बीजेपी छोड़ देंगे अगर एमएसपी पर भी कानून बन गया, अरे चर्चा चल रही है अंदर खाने, पता है आप, आप पूछ लो मोदी जी की और अमित शाह जी की मीटिंग होगी है, कभी फिर ये कहोगे तो एक और कर दिया जी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया करके, अरे मास्टर स्ट्रोक को किंग जॉन हो आप, अरे लोकतंत्र है भाई, आप मीटिंग करिए, कैबिनेट बैठाइए, उनके साथ चर्चा, ये कानून वापस लिए जाने चाहिए, लोकतंत्र फेस करेंगे अच्छा, मेरे को एक छोटा सा जवाब दोगे आप, ना ना एक सेकंड लड़ना नहीं है, एक फाइनल कमेंट जी विजय खेरा साहब, मैं खाली एक बात जानना चाह रहा था, चार में से दो मांगे मान ली गई थी किसानों की, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ जिन गरीब किसानों दो का आज भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अब मुझे 30 सेकंड बोल लेने दीजिए, गलत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जान सकता हूँ क्यों, आपके आपके सामने है आज किसानों की हालत, 70 साल के बाद कपड़े पहनने को नहीं, जूते पैरों में नहीं है, भूखो वो मर रहे हैं, उनकी जमीनें रखी गई हैं, सब गिरवी में रख लेते हैं लोकल लोग साहूकार, फसलें खराब होती हैं, तब तो उनकी हालत तो किसी ने नहीं देखी, अब जब सम्मान निधि दी, जब एमएसपी दी, उनकी खरीद होने लगी, रिकॉर्ड खरीद होने लगी, तो नए सर 500 रुपए 6,000 रुपए सम्मान निधि और 500 रुपए डीजल के दाम कितने बढ़ा दिए सर, वो बात कर रहे हैं एमएसपी जिंदा कर दिया इन्होंने देश को, खुद तो वो दे नहीं पाए, किसान सम्मान निधि हमसे बात कर रहे हैं, खुद गन्ने का भुगतान नहीं कर पाए 20-30 साल तक में, 3-3 साल आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं, करने दीजिए, जानता हूँ बहुत बहुत कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक सेकंड चलिए, एमएसपी का जिक्र तो हो गया, आप गन्ना बकाए का भी जिक्र नहीं कर रहे, लखीमपुर वाले फैसले पर कुछ सोच रहे हैं क्या, लखीमपुर कांड पर फैसला लेने का, उस पर आप जो मर्जी करिएगा, मामला अदालत ने फैसला कर दिया, उसका सम्मान कर रहे हैं और हम लोग स्पेशल इंक्वायरी SIT सब बैठी हुई है उसमें, उस सर मैं तो चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहा था, मैं तो चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहा था, अदालत के आदेश पे हो रहा, अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज ऑर्डर हो गया, 120 का मुकदमा लगा हुआ है अजय टेनी पर, सर संगठन है आपका अजय टेनी, 120 का मुलजिम है और वो गृह का राज्य मंत्री है, वो इस देश का राज्य मंत्री है, गृह का, 120 का मुलजिम है, कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, देश का गृह राज्य मंत्री है, बोल सकते कुछ भी, अच्छा आप है बोलने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार कोई जांच नहीं कर रही, आप बोलने का अधिकार है, बुदेव जी कह रहे नहीं लेंगे इस्तीफा, आपको चार बार डांट लगा दी, आपसे इस्तीफा लेना पड़ेगा, सबूत लेकर के आइए सही तरीका, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है आपसे, आप किसानों को उसके बाद में अपने बगल में खड़े रखोगे मंच पे एक ऐसे अपराधी को, तो इसका पूरी देश की जनता देख रही है, मैं तो कहता हूं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, पवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, विजय खेरा साहब आपका भी, भूदेव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन विषय यही है कि क्या किसान वापस घर वापसी नहीं जाएंगे तो रास्ता निकलेगा, तो निकलेगा कैसे, लेकिन एमएसपी को लेकर क्या सरकार वाकई में कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि किसानों की मांग जायज है, हर प्रोडक्ट पर एमएसपी होती है तो किसानों को क्यों नहीं, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।